सोच तो वहीं से पनपी है। नहीं नहीं, कौन कहीं कहीं ब्लॉक नहीं हो रही सड़कें, कहीं ब्लॉक नहीं हो रही है। जिस शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, शहजाद साहब यहाँ बैठे हुए दो महीने से पीएफआई का नाम दे रहे हैं। आज आपको पीएफआई का नाम याद आ गया, आरएसएस का नाम लेते हुए पूरे आपके छाले पड़ते हैं। आरएसएस के तमाम लोग सर, पीएफआई का नाम पुलिस ले रही है, पीएफआई का नाम पुलिस ले रही है। अगर पुलिस कह दे कि इसमें आरएसएस शामिल थी, आम आदमी पार्टी शामिल थी, बीजेपी शामिल थी, हम बोलेंगे, एक जगह नहीं बोलेंगे हम। पुलिस ने लिया ना किसी ने पीएफआई, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम यूपी पुलिस ने बैन करने वाली लिस्ट में डाला है। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की मांग की है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, दंगा भड़काने के आरोप में। पत्थर चलाते मस्जिदों पे जिनकी दंगा करने में एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आसिफ मोहम्मद खान, आसिफ मोहम्मद खान, एक सेकंड रहमानी साहब, एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, मैंने अपनी बात कह ली, एक मिनट सौरभ जी, एक ही बात कहूंगा। जब पहले वो शाहरुख बंदूक वाला निकला ना, तो पहले पता नहीं था कि हिंदू है मुसलमान, तो इनके पूरी मंडली ने ये पेश करने की कोशिश की कि वो हिंदुत्व आतंकवादी है। आपको पता है ये बात, सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड वीडियो चलाना कि भाई साहब एक कौम के लोगों को मारा जा रहा है दूसरी कौम के द्वारा, ये शाहरुख को हिंदुत्व का आतंकवादी के तौर पर बताना, वो पीछे एग की क्रेट थी उसको भगवा झंडे बताना, ये कौन कर रहा है, कौन सी सोच है ये? ये शाहीनबाग सोच है, अलगाववाद की सोच वहीं से पनपी है। अच्छा एक सेकंड सर, आज आसिफ मोहम्मद खान साहब, दिल्ली पुलिस ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं सर, एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट शहजाद, एक मिनट, एक मिनट, ड्रोन से ड्रोन सर, एक मिनट सर, एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट सर, प्लीज प्लीज थोड़ा सा। दिल्ली पुलिस कह रही है ये पत्थर जमा कर करके घरों की छतों पर रखे हुए थे, एसिड कहां से आ रहा है, बोरियों में पत्थर रखे हुए हैं, ये सब कहां से आ रहा है? इतनी गोलियां दिल्ली के रायट में चली हैं, पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, राइटर्स गोलियां चला रहे हैं, 100 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं दिल्ली के अंदर, ये सब बिना प्लानिंग के हो जाता है क्या? देखिए दिल्ली पुलिस को वो भी वीडियोस दिखाने चाहिए जो दिल्ली पुलिस खुद पल्लियों में लड़कों को बुलाकर और पत्थर इकट्ठे करवा रही है। ये भी चला है मीडिया में, ये भी सोशल मीडिया पे चला है कि पुलिस की मौजूदगी में पत्थर तोड़ तोड़ के बोरियों में भर के लड़के लेकर जा रहे हैं और पुलिस कांस्टेबल वहां पर खड़े हुए हैं। ये भी पुलिस को जारी करना चाहिए वीडियो, अगर वो करिए तो वो भी जारी करनी चाहिए। डीसीपी की मौजूदगी में आज हाईकोर्ट ने कहा है कि कपिल मिश्रा ने किस ऑफिसर की मौजूदगी में ये धमकी दी थी, उस पुलिस ऑफिसर का भी पुलिस को आज पूछा है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि ये कौन ऑफिसर था जो कपिल मिश्रा के बराबर में खड़ा हुआ था पुलिस ऑफिसर और कपिल मिश्रा धमकी दे रहा है, ये हाई कोर्ट ने पूछा है कि इसका नाम भी आपको मैं बताएंगे। दिल्ली को दिल्ली पुलिस अपने अपने हिसाब से अगर कोई बात कहना चाहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को क्या दूसरा पहलू भी है? मैं पूछ लेता हूं सवाल, एक सेकंड मैं पूछता हूं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है प्रेम शुक्ला साहब, आपने सुना कि दिल्ली पुलिस ने अनबायस तरीके से अपना काम नहीं किया, दिल्ली पुलिस, मैं खुलकर कहूं आरोप यह है कि हिंदू पक्ष के साथ खड़ी रही, वहां के दंगाइयों को उन्होंने रोका नहीं और सारी सख्ती मुसलमानों के साथ की। आप मुझे कृपा करके बताइए, वीरगंज प्राप्त करने वाले रतन लाल की हत्या करने वाले क्या कपिल मिश्रा के उकसावे पर हत्या की गई हो? अर्पित शर्मा की जो हत्या की गई आपके पार्षद के घर से हत्यारे निकले, क्या वो कपिल मिश्रा की प्रेरणा से निकले थे? जो छतों पे पत्थर एक विशेष बस्ती में थे वो क्या कपिल मिश्रा की प्रेरणा से लाकर रखे गए थे? जो पुलिस बलों पर एसिड फेंकी गई क्या कपिल मिश्रा के प्रेरणा से किए गए? तो कपिल मिश्रा को आप निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन कपिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा करने के पहले कृपया बीच में ना बोले। देखिए जस्मिन, आप इनके बाद बोल लीजिएगा, जस्मिन आप इनके बाद बोल लीजिएगा, सुन रहा था, इनके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं आप ही को मौका दूंगा, आप ही के पास आऊंगा, जस्मिन प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। अर्पित शर्मा जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी के हत्यारों के चरण चाटने में आपको शर्म नहीं आती है?